जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में उन सभी आर्मी लवर भाइयों के लिए जो 1600 मीटर रनिंग करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं तो आपको पैरों में तेज दर्द होता है, जिससे आप रैली भर्ती में लास्ट राउंड में भी पैर दर्द के कारण कई लोग अपने 1600 मीटर रनिंग का टारगेट पूरा नहीं कर पाते। तो जैसे पैर भरना है या पैरों में दर्द हो तो ऐसे में क्या करें, तो आपको इसकी कुछ मैं टिप्स बताऊंगा और मैं आपको कोई दवा या टैबलेट के लिए रिकमेंडेड नहीं करूंगा, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो टिप्स नंबर 1 है, रोड पर ज़्यादा रनिंग करने से। बहुत से लोगों के घर के पास ग्राउंड नहीं होता है, इस वजह से वह रोड पर रनिंग करते हैं। कुछ लोगों को रोड पर रनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो पक्के रोड पर रनिंग करते हैं। आप पक्के रोड पर रनिंग ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे घुटनों में दर्द होता है या नी पेन या पैर भरना, इसका कोई बड़ा कारण भी हो सकता है। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आपके आसपास अगर ग्राउंड नहीं है तो आप पक्के रोड की बजाय कच्चे रोड पर रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको रोड पर रनिंग करना है तो आप हफ्ते में एक या दो बार कर सकते हैं, क्योंकि रोड का सरफेस हार्ड होता है। पक्के रोड का सरफेस हार्ड होने की वजह से पूरा प्रेशर हमारे पैरों पर पड़ता है, जिससे हमारे पैरों में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। टिप्स नंबर 2 है, नी कैप पहनकर दौड़ना। अगर आपको कभी कभी थोड़ा बहुत घुटनों में दर्द होता है तो आप नी कैप पहनकर रनिंग कर सकते हैं, या फिर उस दिन आप ज़्यादा रनिंग ना करें। नी कैप पहनने से आपके घुटनों में दर्द होना बंद हो जाएगा और यह आपके घुटनों के लिए अच्छा भी होता है, तो आप नी कैप पहनकर जरूर दौड़ें। टिप्स नंबर 3 है, घुटनों की या पैरों की एक्सरसाइज ना करना। जब आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपके घुटनों के आसपास की मसल्स बहुत ही कमज़ोर होती हैं, इस वजह से आपके घुटनों पर अधिक लोड पड़ता है और फिर कुछ दिनों बाद आपको नी पेन होने लगता है, जो आपको अपने घुटनों के आसपास की मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, जिससे कि आपको नी पेन आफ्टर रनिंग ना हो। सबसे पहले आपको अपनी थाई मसल्स की एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आपको कॉप मसल्स की एक्सरसाइज करना है और फिर आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स की एक्सरसाइज करना है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 4, अच्छे जूते ना पहनना। सबसे बड़ा कारण नी पेन आफ्टर रनिंग का अच्छे जूते ना पहनना ही है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि कोई भी जूते पहनकर रनिंग की जा सकती है, तो इसके लिए आपको रनिंग शूज पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही जूते पहनने की लापरवाही करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आप रनिंग करने से पहले सही जूते पहनें। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 5, एकदम से ज़्यादा रनिंग करना। एक गलती सभी लोग करते हैं, क्योंकि जब हम रनिंग करने की शुरुआत करते हैं तो नया नया जोश होता है, उस वजह से हम शुरुआत में कुछ ज़्यादा ही दौड़ देते हैं, जिससे पैरों में दर्द होने लगता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी रनिंग शुरू करें तो पहले दिन ज़्यादा ना दौड़ें, धीरे धीरे अपनी स्पीड और डिस्टेंस को बढ़ाएं। टिप्स नंबर 6, सही डाइट ना लेना। जब आप सही डाइट नहीं लेते हो तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और इस कमी के कारण आपको नी पेन आफ्टर रनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप सही डाइट नहीं लेंगे तब आपकी रनिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा और आपका स्टेमिना और स्पीड बहुत कम ही बढ़ेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आए, तो स्टेमिना को भी जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सही डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही डाइट नहीं लेंगे तो आप रनिंग में जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप रनिंग करने से पहले इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखें, आपकी ये पैर दर्द वाली समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।